कैसे हो आप सब। सुबह 5:45 पे पवन सिंह का एक गाना रिलीज हुआ है वेब म्यूजिक पे, जिसका नाम है ले जात बाटू देवघर। अब एक घंटे में उस गाने का व्यूज देखा जाए, और खेसारी भाई का भी गाना आया है आज टीम फिल्म भोजपुरी से, ट्रकवा से देवघर और ट्रकवा से देवघर वाला गाना। तो अगर दोनों का व्यूज देखा जाए तो भैया जमीन आसमान का फर्क है। पवन सिंह के गाने पे ज्यादा व्यूज है, ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि पवन सिंह का दूसरा गाना है एल्बम का और अभी तक इंतजार कर रहे थे उनके फैंस। तो ऑब्वियसली जो है शायद खेसारी जितना गाना पवन सिंह का रिलीज होता तो शायद उनके गाने पे 10,000-5,000 व्यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि वेब म्यूजिक से रिलीज किया गया है पवन सिंह का गाना, वहीं पे वेब म्यूजिक का खेसारी भाई का भी गाना रिलीज किया गया था आज से 3-4 दिन पहले, जिसका नाम था अपाची से लेके चला देवघर। तो आइए बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पवन सिंह खेसारी लाल से आगे हो गए हैं या पीछे हो गए हैं। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बता देना चाहता हूँ पवन सिंह का दूसरा गाना है और खेसारी भाई का जब दूसरा गाना आया था कोको कोला नथुनिया वो हारमोनिया, तो सबके अगर व्यूज देखा जाता तो पवन सिंह के व्यूज से कहीं ज्यादा था, ठीक कहीं ज्यादा। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि पवन सिंह के गाने पे एक घंटे के अंदर कुछ 1,00,000 व्यूज क्रॉस कर लिया है इस गाने पे, दूसरा गाना है पवन सिंह का। और अब इसलिए जब आप लोग क्वांटिटी बढ़ाते हो तो क्वालिटी घट जाती है, जब आप अपने दर्शकों को ज्यादा गाना देने लगते हो तो जो है उनपे इंटरेस्ट जो है कम हो जाता है। खेसारी भाई का लगभग 15-16वां गाना जो है आज रिलीज हुआ है, वो अभी भी 15 गाना रिलीज होने वाला है। तो ज्यादा गाना रिलीज करने का मतलब ज्यादा लोगों के पास पहुंचना, और जब आदमी के पास ज्यादा ऑप्शन हो जाते हैं तो कौन सा सुने कौन सा ना सुने करके 1-2 गाना सुनते हैं। अभी खेसारी भाई का कोको कोला बोलबम गाना चल रहा है, हारमोनिया गाना चल रहा है, लड़की वेरीफाइन चल रहा है, तो बहुत से ऐसे गाने हैं जो मार्केट में बज रहे हैं। पवन सिंह के जो गाना आज आया है ले जात बाटू देवघर, मुझे 1% भी गाना अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि ना उसका मुझे म्यूजिक अच्छा लगा ना उसका लिरिक्स अच्छा लगा। लिखने वाले भाई साहब विजय चौहान है, उसमें शिल्पी राज की वजह से भी गाना थोड़ा बहुत लोग सुन रहे हैं क्योंकि शिल्पी राज का नाम है, तो ऑब्वियसली शिल्पी राज के फैन को भी रिकमेंड किया होगा उस गाने को, इसीलिए शायद गाना चला। यहाँ पे देखा जा रहा है खेसारी भाई का भी वो म्यूजिक से गाना आया था ले चली अपाची से गाना करके आया था, तो उस गाने पे अगर व्यूज देखा जाए तो 1 घंटे के अंदर उस पर भी 1,00,000 व्यूज क्रॉस कर दिया था। और वहीं पे पवन सिंह का भी गाना व्यूज 1,00,000 व्यूज क्रॉस कर दिया था, क्योंकि वो म्यूजिक कंपनी भोजपुरी की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी है, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर उस पर है, सबसे ज्यादा फैन बेस उस पर है, तो इसीलिए उस पर अगर कोई गाना आता है तो ऑब्वियसली व्यूज जो है ज्यादा जाता है और के कंपेरिजन में। यहाँ पे पवन सिंह के फैन खुश हो रहे होंगे कि पवन सिंह के गाने पे बहुत ज्यादा व्यूज चला गया, लेट आया दुरुस्त आया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट आने का मतलब नहीं है, खेसारी लाल का जब पहला गाना आया था, दूसरा गाना आया था, तीसरा गाना आया था, तो सब गाने पे व्यूज आएगा। और शायद पवन सिंह जो खेसारी लाल इतना ज्यादा गाना रिलीज करें तो उनका गाना भी उतना व्यूज नहीं जाएगा। और मुझे लग रहा है कि भी सावन का दूसरा सोमवार आने वाला है, तो अभी ऑब्वियसली 1 महीना जितना है तो हर एक गाने पे 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज होंगे, मुझे इतना पता है। अगर पैसे के मामले में देखा जाए तो पैसा कमाने के मामले में खेसारी के गाना ज्यादा पैसा कमाएंगे, ज्यादा गाना रिलीज करेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, ज्यादा मार्केटिंग होगा। तो यहीं पे किसी बात विवाद की मुद्दा बनता ही नहीं है। खेसारी का गाना हो या पवन सिंह का गाना हो, पवन सिंह के गाने पे ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा व्यूज आ गए हैं, तो 2 घंटे में 1,75,000 व्यूज लगभग क्रॉस किया है और 49,50,000 लाइक्स प्राप्त किए हैं। वहीं पे खेसारी भाई का गाना जो है ले जात बाटू अपाची से, वो वाला गाना जो देखा जाए तो उसपे अभी गाने पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है, हारमोनिया गाना ट्रेंडिंग पे चल रहा है। अब देखा ये जा रहा है कि पवन सिंह का ये गाना जो है ट्रेंडिंग में आता है या नहीं आता है। बाकी आप सबको कमेंट करके बताओ, बाकी किसका गाना अच्छा लगा आप कमेंट करके बताओ, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो इस वीडियो को। बाकी आज वीडियो में इतना ही है, चलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलेंगे।